आत्मनिर्भर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। गलत काम से इनकार करने पर कर दी अंकिता की हत्या। दुस्साहस। पूर्व राज्य मंत्री के बेटे पुलकित आर्य समेत तीन गिरफ्तार। 5 दिनों से लापता अंकिता भंडारी की नहर में धकेल कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर पूर्व राज्य मंत्री के बेटे रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य व उसके 2 मैनेजरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि रिजॉर्ट में आने वाले ग्राहकों से संबंध बनाने से इनकार करने पर शुरू हुए विवाद में ही अंकिता की हत्या कर दी गई। आधी रात रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर, तो लोगों के आक्रोश और विपक्ष की घेराबंदी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात बड़ा निर्णय लिया। उनके आदेश पर आधी रात बुलडोजर चलाकर रिजॉर्ट को ढा दिया गया। यह कार्रवाई पौड़ी जिला प्रशासन और पुलिस ने की। उधर DGP अशोक कुमार ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भड़का रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। सोशल मीडिया की निगरानी की जा रही है। रिजॉर्ट में हो रहे कुकृत्य सामने लाने की दे रही थी धमकी, तो आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अंकिता पर वह यहाँ आने वाले ग्राहकों से संबंध बनाने को कहते थे। यह बात अंकिता सबको बता रही थी। वह बार बार रिजॉर्ट की हकीकत सामने लाने की धमकी दे रही थी। इस बात को लेकर के विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन 2 अलग अलग वाहनों पर चारों लोग चीला बैराज के पास गए। वहां पर उन्होंने शराब पी, इसके बाद आगे नहर किनारे रुक गए। यहां पर पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा होने लगा। इस बीच अंकिता ने पुलकित का मोबाइल फोन छीनकर नहर में फेंक दिया। इस बात से भड़के पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। अंकिता ने 2 बार पानी के ऊपर आकर बचाने की आवाज़ लगाई, मगर तीनों डर गए और रिजॉर्ट में आ गए। कुछ देर बाद तीनों ही राजस्व पुलिस चौकी में गुमशुदगी दर्ज कराने चले गए। आरोपियों को किया नंगा, तो आक्रोशित लोगों ने आरोपियों को लेकर कोर्ट जा रही जीप के शीशे तोड़कर आरोपियों के कपड़े फाड़ दिए और उनके जबरदस्त पिटाई की। यही नहीं, लोगों ने गाड़ी पलटने की भी कोशिश की। मुख्यमंत्री ने दिए सभी रिजॉर्टों की जांच के आदेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता की हत्या के मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए प्रदेश के सभी रिजॉर्टों की जांच के आदेश दिए हैं। अंकिता हत्याकांड पर दुख जताते हुए सीएम धामी ने कहा कि जिस किसी ने भी यह जघन्य अपराध किया है उसे हर हाल में कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सोशल मीडिया पर आक्रोश। हत्याकांड पर सड़क से लेकर के सोशल मीडिया तक लोगों का आक्रोश देखने को मिला। ट्वीट पर तो जस्टिस फॉर अंकिता घंटों टॉप ट्रेंड बना रहा। प्रदेश में अभी 3 दिन और बरसेंगे बादल, तो अगले 24 घंटे के दौरान उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर जिले में बहुत भारी बारिश की आशंका है। संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही 3 दिन तक प्रदेश भर में कई जगह झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सरकार प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़े अफसरों को अलर्ट रहने को कहा है। भारी बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक एवं वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह ने बताया कि 24 घंटे में उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, हरिद्वार, उधमसिंह नगर में बहुत भारी बारिश की आशंका है, जबकि देहरादून समेत अन्य जिलों में भी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में चक्रवात के सक्रिय होने के साथ ही निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक 3 दिन तक बारिश होने की उम्मीद है। 3 दिन के बाद चक्रवात के बिहार की ओर खिसकने से बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी। विधानसभा 250 बैकडोर भर्तियां रद्द। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा में बैकडोर में हुई 250 भर्तियां रद्द कर दी। इनमें 228 तदर्थ और 22 उपनल के माध्यम से हुई नियुक्तियां शामिल हैं। वहीं विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। उनके खिलाफ अलग से जाँच बैठा दी गई है। सिफारिश पर लग गई CM की मुहर। विधानसभा में नियुक्तियों को रद्द करने के स्पीकर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। 2016 में 150, 2020 में 6, 2021 में 72 तथा नियुक्तियां, उपनल में हुई 22 भर्तियां निरस्त की गई। वर्ष 2021 में निकली 32 पदों की भर्ती भी कर दी गई निरस्त।
विज्ञापन निकाला ना ही परीक्षा कराई। तो विधानसभा में नौकरियों के लिए ना तो कोई विज्ञापन निकाला गया, ना ही चयन समिति बनी, ना कोई परीक्षा हुई। व्यक्तिगत पत्रों पर रेवड़ी की तरह नौकरियां बांटी गई। बैकडोर भर्तियों की जांच करने वाली समिति ने जांच की तो भर्तियों की पोल परत दर परत खुलती चली गई। विधानसभा में पहुँच वालों के लिए नौकरी आसान रही। जांच रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है कि तथा 228 तथा नियुक्तियों और 22 उपनल के माध्यम से नियुक्तियों में भर्तियों का पैमाना नहीं था। पेपर लीक दागी आरएमएस कंपनी को किया गया डिबार। तो उत्तराखंड चयन आयोग ने समूह गौ भर्तियों के पेपर लीक की दागी का लखनऊ की कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन को डिबार कर दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि भविष्य में यह कंपनी किसी भी परीक्षा या अन्य कार्य के लिए पात्र नहीं होगी। दरोगा भर्ती धांधली शासन ने दी मुकदमे की अनुमति। तो दरोगा भर्ती धांधली की विजिलेंस अब दरोगाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी। शुक्रवार को शासन ने मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी है। अब जल्द ही धांधली कर पास होने वाले दरोगाओं की गिरफ्तारी भी हो सकती है। वर्ष 2015 में हुई इस भर्ती में करीब 10% दरोगा ओएमआर सीट में गड़बड़ी कराकर पास हुए थे। उत्तराखंड पीसीएस प्रिया में तीसरी बार बदल गई कट ऑफ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के ने पीसीएस प्री परीक्षा का एक और अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया है, जिससे 2638 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा का टिकट मिल गया है। मई में रिजल्ट जारी करने के बाद आयोग ने तीसरी बार कट ऑफ बदल दी है, जिससे अब पहले रिजल्ट के मुकाबले सभी पदों की कट ऑफ में बड़ा अंतर आ गया है। दरोगा भर्ती शासन ने विजिलेंस को मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी। तो 35 दरोगाओं के ओएमआर सीट में गड़बड़ी से पास होने की आशंका है। 15 के नाम विजिलेंस को सौंप दिए गए हैं। पेपर लीक की दागी आरएमएस टेक्नो कंपनी को आयोग ने कर दिया डिबार। चौराबाड़ी से 3 किलोमीटर ऊपर हिमालय क्षेत्र में टूटा ग्लेशियर। अत्यधिक बर्फ रही वजह। मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल चौराबाड़ी में 3 किलोमीटर ऊपर हिमालय क्षेत्र में भारी बर्फबारी के चलते ग्लेशियर टूटा है। इस ग्लेशियर पर ताजी बर्फ अधिक जम गई थी, जिससे यह टूट गया। विशेषज्ञ इसे पाउडर ग्लेशियर बता रहे हैं। हालांकि इससे आसपास के क्षेत्र में किसी नुकसान की कोई आशंका नहीं है। ग्लेशियर विशेषज्ञ इसे हिमालय क्षेत्र में होने वाली सामान्य घटना बता रहे हैं। वैज्ञानिकों की टीम आज जाएगी केदारनाथ। तो केदारनाथ के चौराबाड़ी ग्लेशियर में हिमस्खलन की घटना वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजिकल के वैज्ञानिकों की टीम अध्ययन करेगी। 1 अक्टूबर से शुरू होगा गढ़वाल विश्वविद्यालय का सत्र। तो पीजी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने, शैक्षणिक सत्र 1 अक्टूबर से शुरू करने और छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया शुरू कराने की मांग को लेकर के छात्रों ने HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय प्रांगण में हंगामा किया। वहीं खबर यह है, उत्तरकाशी से 2 मजदूर नदी में बहे एक का शव बरामद। हरसिल से लौट रहे नेपाली मूल के 2 मजदूर श्याम घाट नदी में बह गए। विधानसभा सचिव सिंगल अनियमितता में सस्पेंड। गलत तरीके से 3-3 प्रमोशन लेने के मामले में पहले से लंबी छुट्टी पर भेजे गए विधानसभा सचिव मुकेश सिंगल अब दागी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन को आनन फानन में 59 लाख रुपए का भुगतान किए जाने के मामले में निलंबित कर दिए गए हैं। अध्यक्ष रीति खंडूड़ी ने साफ कहा है कि वो विधानसभा के लिए नए सचिव की मांग करने जा रही हैं। पीसीएस प्री 2021 का परिणाम जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस प्री परीक्षा 2021 का अतिरिक्त परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। हाईकोर्ट में दायर याचिका के आधार पर 2638 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है। मुख्य परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। उत्तराखंड में महिला आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार। तो महिला आरक्षण को तत्काल स्थायी आधार देने के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया है। किसानों की मांग पर गंग नहर बंद। तो हरिद्वार के ऊपरी खंड गंग नहर को उच्च स्तर से मिले निर्देशों के बाद बंद कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच रद्द। तो भारत बारिश के चलते दून में चल रही रोड सेफ्टी सीरीज में शुक्रवार को होने वाला ऑस्ट्रेलिया लीजेंड साउथ अफ्रीका लीजेंड का मुकाबला रद्द कर दिया गया।
वही खबर है, नए शंकराचार्य का किया विरोध, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में सदन और सरकार एकजुट। तो यूकी ट्रिपल एससी भर्ती या घपले की जांच सीबीआई या दूसरी एजेंसी से कराने के विकल्प खुले हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में सदन और सरकार एकजुट है। उन्होंने विधानसभा की विवादित भर्तियों को रद्द करने के स्पीकर रितु खंडूड़ी के फैसले का स्वागत किया। शुक्रवार को विधानसभा परिसर में अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण की पत्रकार वार्ता के बाद लगी कर्मचारियों की भीड़। धामिया के फैसले भविष्य में नजीर बनेंगे। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विधानसभा की बैकडोर नियुक्तियों पर कार्रवाई को संतोषजनक और एक नजीर बताया। आंगनवाड़ी वर्कर का 2 माह का मानदेय जारी। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी वर्कर का 2 माह का मानदेय जारी कर दिया है। रितु खंडूड़ी के फैसले के बाद अब मनमानी नहीं चलेगी। तो विधानसभा की विवादित भर्तियों की निरस्त करने के फैसले का असर दूर तक जाने वाला है। भविष्य में अब शायद ही कोई विधानसभा अध्यक्ष इस प्रकार मनमाने तरीके से भर्तियां करने की हिम्मत जुटा पाएगा। कुंजवाल बोले, भर्तियां निरस्त करना राजनीतिक फैसला। तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने विधानसभा की भर्तियों को निरस्त करने के फैसले को विशुद्ध राजनीतिक फैसला करार दिया। विधानसभा भर्तियों में इंसाफ अभी बाकी है तो पुरानी भर्तियों की जांच न होने तक उठते रहेंगे सवाल। खंडूड़ी ने 2 स्पीकरों के कार्यकाल की भर्तियां की हैं रद्द। वही खबर है, देहरादून से दूसरे की जमीन दिखाकर प्रोफेसर से 9 लाख रुपए ठग लिए गए। सड़क हादसे में पुलिसकर्मी की मौत। तो भारी बारिश के बीच शुक्रवार को दून दिल्ली हाईवे पर 4 कारें आपस में भिड़ गई। बाइक सवार उत्तराखंड पुलिस का एक सिपाही इसकी चपेट में आ गया। कार सवार कई लोग घायल हो गए। उधर इलाज के दौरान सिपाही ने दम तोड़ दिया। अंकिता हत्याकांड, गेस्ट के साथ शारीरिक संबंध बनाने को डालते थे दबाव। अंकिता के हत्यारों को फांसी पर लटकाया जाए। तो रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी के रिजॉर्ट के मालिक और कर्मचारी द्वारा नहर में धक्का देकर हत्या से गढ़वाल में चारों तरफ गुस्सा है। लोगों ने आरोपियों को जमकर पीटा। तो आक्रोशित ग्रामीणों ने चीला हरिद्वार मार्ग पर अंकिता भंडारी की हत्या के आरोपियों को ले जा रहे वाहन को रोक लिया। वाहन घेरने के बाद नाराज ग्रामीणों ने आरोपितों की पिटाई शुरू कर दी। पिता रोते हुए बोले, विश्वास नहीं हो रहा, बेटी नहीं रही। बारिश के बाद दून के कई इलाकों में जल भराव। तो निर्माण कार्यों में लापरवाही मानी जा रही है जल भराव की वजह। सब्जियां 1 हफ्ते में 50% तक महंगी। तो इन दिनों देहरादून में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। मंडियों में मटर 200 रुपये किलो बिक रहा है, गोभी 150 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। सब्जियों के दाम में 20-50% का इजाफा हुआ है। नवरात्र में और बढ़ सकते हैं रेट। देहरादून में डेंगू के मरीज 500 के पार पहुंचे। दून में हरिद्वार की महिला की डेंगू से मौत हो गई। भर्तियां रद्द होने से प्रेमचंद की कुर्सी पर संकट। तो विधानसभा की बैकडोर भर्तियां रद्द होने के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की कुर्सी पर भी संकट गहरा गया है। भाजपा हाईकमान जनता को संदेश देने के लिए बड़ा कदम उठा सकती है। अंकिता सिर्फ 22 दिन कर पाई रिजॉर्ट में नौकरी। तो अंकिता 22 दिन ही नौकरी कर पाई। दरिंदों ने पहली सैलरी मिलने से पहले ही अंकिता को मार डाला। अंकिता की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी इसलिए वह दूसरी नौकरी भी तलाश रही थी, लेकिन दरिंदों ने पहले ही उसे मार डाला। हरिद्वार में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को कड़ा सजा देने की मांग को लेकर के हरिद्वार में कैंडल मार्च निकाला गया। वही खबर है, कलियर से 20 पेटी शराब के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। रुड़की से खबर है, आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। तो पंचायत चुनाव के प्रचार का शोर आज यानी शनिवार की शाम 5 बजे थम जाएगा।
कोटद्वार में पुलिसकर्मी यहाँ पर बेटी से दुष्कर्म का केस, तो कोटद्वार कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी पर अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मी की पड़ोसी एक महिला ने कोतवाली में शिकायत दर्ज की थी, जिस पर गुरुवार देर शाम मुकदमा दर्ज कर जाँच प्रारंभ किया गया। गंगोत्री हाईवे पर 40 घंटे बाद आवाजाही शुरू, तो बारिश के कारण भटवाड़ी के आगे हल्गुगाड़ के पास पिछले 40 घंटे से बंद गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। यमुनोत्री हाईवे डबरकोट में बंद है। वही खबर है, यह रामनगर से बड़ा सवाल, आखिर छात्रावास से कहाँ गया बच्चा, तो करीब एक महीने तक सोता रहा छात्रावास, प्रबंधक हाईकोर्ट की सख्ती से खलबली मची है। उन्नीस नवंबर को एक साथ 111 कन्याओं का विवाह, तो हल्द्वानी से खबर आई है। 59 साल बाद 26 को पृथ्वी के सबसे करीब रहेगा बृहस्पति ग्रह। वही खबर है, हल्द्वानी से नारद मोहन रावण जन्म के मंचन से रामलीला शुरू हुई। एबीपी ने प्राचार्य कक्षा में जड़ा ताला, तो कॉलेज में बाहरी का प्रवेश रोकने की मांग की गई। आयुष्मान अब उपचार के बिल पर होंगे मरीज के हस्ताक्षर, तो मुख्यमंत्री बोले आयुष्मान योजना पीएम नरेंद्र मोदी की उत्कृष्ट सोच का परिणाम है। राशन विक्रेता से अभर्ता पर पूर्ति निरीक्षक को हटाया गया। अब पोस्ट ऑफिस पीएसके में भी कर सकेंगे पीसीसी के आवेदन। 6 जनपदों में भारी वर्षा को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं खबर आई है, नंबर बढ़ाने को रिश्वत लेने वाली डीएवी की शिक्षक निलंबित, तो डीएवी पीजी कॉलेज में आंतरिक परीक्षा में नंबर बढ़ाने को लेकर के छात्रों से 1,000 रुपये की रिश्वत लेने के मामले में शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र नेताओं ने कड़ा रोष व्यक्त कर प्राचार्य का घेराव किया। मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद डॉक्टर के आर जैन ने संबंधित अस्थायी शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया। वही खबर यह, देहरादून से युवक की आत्महत्या मामले में एसएसपी ने सीईओ से 2 दिन में मांगी रिपोर्ट। छटपटाती रही अंकिता और हत्यारे छलकाते रहे जाम, तो नहर में डूबने से पहले छटपटा कर जान बचाने की गुहार लगाती रही अंकिता। आरोपितों को था रिजॉर्ट का भेद खोलने का डर। वंतरा रिजॉर्ट पर देर रात बुलडोजर से तोड़फोड़ की गई। यातायात व्यवस्था बिगाड़ रहे 8 स्कूलों को नोटिस। यातायात पुलिस को सहयोग देने और वाहनों को स्कूल परिसर में पार करने की सलाह, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। डेंगू हुआ बिगड़ाल, दून में 72 नए मामले, एक मरीज की मौत हो गई। 24 घंटे में कोरोना के 17 नए मरीज मिले, एक मरीज ने दम तोड़ दिया। देहरादून और मसूरी में सड़कों की मरम्मत की डेडलाइन तय की गई। प्रेमचंद की कुर्सी रहेगी या जाएगी सरकार पर नजर, तो पिछली विधानसभा के अध्यक्ष थे अग्रवाल, अब धामी कैबिनेट के सदस्य, इन दिनों अधिकारियों के साथ जर्मनी भ्रमण पर हैं अग्रवाल। फैसले पर छलके आंसू, आक्रोश भी दिखा। दरोगा भर्ती मुकदमा दर्ज करने की अनुमति, तो फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाने वाले दरोगाओं पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन ब्लैक लिस्ट किया गया। वहीं पेपर लीक प्रकरण की आज से विधानसभा भर्ती में धांधली हुई। 40 घंटे बाद निकल सके 3,000 फंसे तीर्थयात्री। चौराबड़ी के पास आया एवलांच। वही खबर है, घनसाली से वाहन खाई में गिरने से चालक की मौत। घनसाली गुत्तू मोटर मार्ग पर गुत्तू बाजार के पास बीती रात एक वाहन सड़क से नीचे गिरने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगा रही है। वही खबर है, चक्राता से टपकती छत के नीचे, खतरे में देश का भविष्य। तो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राम लोहारी लोखंडी के विद्यालय का भवन जर्जर है। लंपी से बचाव को 536 पशुओं का टीकाकरण किया गया।
अतिवृष्टि से बागेश्वर में दो मकान ढहे, वर्षा का सिलसिला जारी है। वहीं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे 3 घंटे तक बाधित रहा। देघाट के पालपुर में चोरों ने उड़ाई 2 बाइक, दहशत में लोग। चौखुटिया में गर्भवती महिलाओं को स्तनपान का बताया महत्व। व्यापार मंडल और पालिका में तनातनी, आज बाजार बंद, तो बागेश्वर से खबर आई है। वही खबर आई है, भीमताल से खतरे की जद में आया चापी का स्टील पुल। 2 चौकी के बीच दुकान गोदाम से चोरी, तो बरेली रोड का मामला। नकदी समेत लाखों का माल उड़ाया, सीसीटीवी में नजर आया एक चोर। वही खबर आई है, हल्द्वानी से नवजात की मौत पर हंगामा हुआ। 5वीं सूची के प्रवेश खत्म, 1000 सीट और बढ़ेंगे। भर्तियों में धांधली पर सीमांत में फूटा आक्रोश, तो 12 सूत्री मांगों के साथ हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे बेरोजगार युवा, किया धरना प्रदर्शन। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से कराई गई भर्ती परीक्षाएं, विधानसभा भर्ती, सरकारी बैंक भर्ती परीक्षाओं समेत विभिन्न भर्तियों में बड़े स्तर पर हुई धांधली के विरोध में शुक्रवार को पिथौरागढ़ के बेरोजगार युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा था। हाथों में तिरंगा, बैनर, पोस्टर लेकर सैकड़ों की तादाद में बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर गए। फूटा गुस्सा, चला बुलडोजर, तो मुख्यमंत्री के आदेश पर देर रात हुई कार्रवाई। अंकिता की तलाश में जुटी रही एसडीआरएफ, नहीं मिला सुराग। बेरोजगार पिता का सहारा बनना चाहती थी अंकिता, तो पढ़ाई में मेधावी थी अंकिता, अच्छी नहीं थी परिवार की आर्थिक स्थिति। पिता बोले, फांसी मिलने तक वापस नहीं जाऊंगा। तो अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी अपनी बेटी की हत्या के बाद से बिल्कुल टूट गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी बेटी के हत्यारोपियों को फांसी नहीं मिलता, वह लक्ष्मण झूला थाने से वापस नहीं जाएंगे। बारिश से धुला दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का मैच। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर, तो कॉल इंडिया लिमिटेड में 108 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 29 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं गेस्ट फैकल्टी के पद खाली, तो 44 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 1 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं SBI में करें आवेदन, तो 1673 पदों पर PO के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 12 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। मुख्य सचिव का गुस्सा फूटा, बोले कार्रवाई के लिए रहे तैयार, तो डेडलाइन के बाद खुद सड़कों को देखने उतरेंगे CS। महिला शिक्षक पैसा लेकर करती थी छात्रों को पास। वही खबर है, मसूरी से गाड़ी के पुर्जे चुराने वाले 2 को गिरफ्तार किया गया। न भर्ती का विज्ञापन निकाला, न ही परीक्षा हुई, व्यक्तिगत पत्रों पर बांट दी गई नौकरियां। नौकरी गई तो निकल आए आंसू एक बेहोश, तो भर्ती रद्द होने से हताश और आक्रोशित दिखे कर्मचारी, मीडिया कर्मियों से भी किया भद्रता। वही खबर आई है, नई टिहरी से मकान पर गिरा पेड़, लोगों ने भागकर बचाई जान। केदारनाथ की पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी, तो केदारनाथ की ऊंची पहाड़ियों पर दिन भर कई बार रुक रुक कर जमकर बर्फबारी होती रही, जबकि केदारपुरी में बारिश होती रही, जिससे वहां ठंड बढ़ गई। 2 दिन बाद गंगोत्री हाईवे खुला, फंसे वाहन निकले। हेलंग जोशीमठ हाईवे के चौड़ीकरण पर रोके काम, शटरिंग का सामान चुराने वाले 3 लोग गिरफ्तार, 2 फरार, तो टीरी से खबर आई है। वही खबर है, कर्णप्रयाग से कीचड़ में ट्रक फंसने से लगा जाम। NIT के दीक्षांत समारोह में 483 छात्रों को देंगे डिग्री, BTEC के लिए काउंसलिंग शुरू हुई, तो श्रीनगर से खबर आई है। बेकाबू भीड़ ने आरोपियों को धुना, गाड़ी में घुसकर फाड़े कपड़े। अंधड़ से खेतों में गिरी धान और गन्ने की फसल, तो पथरी हैदराबाद से खबर आई है। वहीं बिजली गुल पाने के लिए भी तरसे लोग, आज थम जाएगा पंचायत चुनाव का शोर, तो अब प्रत्याशी डोर टू डोर कर सकेंगे प्रचार। हरिद्वार जिले में महिला की डेंगू से गई जान। 1 अक्टूबर से शुरू होगा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का नया शैक्षणिक सत्र। NIT उत्तराखंड में BTEC के लिए शुरू हुई काउंसलिंग।
दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कारावास, तो हरिद्वार से खबर आई है। जुलाई में अगवा किशोरी या बरेली या से मिली, आरोपी भी गिरफ्तार, किशोरी के साथ किया गया दुष्कर्म। वही खबर है, हरिद्वार से दहेज के लिए विवाहिता का उत्पीड़न किया गया। कांगड़ा घाट में डूबी किशोरी, शव मिला, तो मछलियों को चारा डालने गई किशोरी, पैर फिसलने से गंगा में गिर गई। वही खबर है, एक घंटे में 3 व्यापारियों के घर और गोदाम में लाखों की चोरी हुई, तो हल्द्वानी से खबर आई है। हल्द्वानी से खबर, नवजात की मौत पर हंगामा, तो महिला परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर एसटीएच में किया बखेड़ा। दिव्यांग किशोर के लापता होने के मामले में एसएसपी कोर्ट में हुए पेश। वही खबर है, हल्द्वानी से अज्ञात वाहन की टक्कर से इंजीनियर की मौत हो गई, तो हल्द्वानी से खबर आई है। कार में टक्कर मारने के बाद मुआवजे से किया इनकार, केस दर्ज किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने किया 10 प्रकोष्ठों का गठन, एमपीजी ने कब्जाई ट्रॉफी। वही खबर है, पिथौरागढ़ से भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे बेरोजगार, तो रामलीला मैदान से कलेक्टर तक निकाली जन आक्रोश रैली। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में फैले भ्रष्टाचारों की सीबीआई जांच कराने की मांग की। गंगोली हाट में दिखा तेंदुआ, लोगों में खौफ है। वही खबर है, नाशनी से खाई में गिरने से भैंस खाल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। दूध, छाछ, क्रीम और घी की कीमतें बढ़ी। किसानों का प्रदर्शन, छात्रों ने फूका पुतला, तो लोहाघाट से खबर आई है। पहाड़ी दरकने से चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़कें फिर से बंद हो गई। शराब पीकर रामलीला में आए तो लगेगा जुर्माना, तो चंपावत से खबर आई है। समूह के सदस्यों से 28 से होगी पूछताछ, तो बनबसा से खबर आई है। वही खबर है, अल्मोड़ा से 6 पैथोलॉजी केंद्रों का चालन किया गया। गोलजी महोत्सव का 26 से होगा आगाज। सड़क पर उतरे युवा घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की, तो खटीमा से खबर आई है। अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20